आपण निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी काय कामं केली, कोणते महत्त्वाचे प्रश्न सोडवले, आपल्या वॉर्डाला कोणत्या समस्या भेडसावत आहेत, शहराच्या विकासासाठी आपल्या नगरसेवकांचं काय योगदान, या सर्व प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी MCN न्यूज जाणार प्रत्येक वॉर्डात आणि जाणून घेणार तुमच्या प्रभागाचा, तुमच्या नगरसेवकाच्या कामाचा लेखाजोखा. MCN न्यूजच्या माझा वार्ड माझं व्हिजन या खास कार्यक्रमात. तर बघायला विसरू नका माझा वार्ड माझं व्हिजन. वार्ड नंबर 20 आसिया कॉलोनी की आबादी 35,000 है, जबकि यहां वोटर्स की तादाद 10,700 है. सिटी क्लब, टाउन हॉल, फ्लाईओवर ब्रिज, आसिया कॉलोनी, बुरहानी कॉलोनी, बिस्मिल्ला कॉलोनी, जय भीम नगर और आनंद नगर के इलाके इस वार्ड की हदूद में शामिल हैं. यहां के साकिनान के मुताबिक गुज़िश्ता 25 सालों से यहां एक भी तरक्याती काम नहीं हुआ था और वो लोग बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हो चुके थे. लिहाजा इस मर्तबा उन लोगों ने मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार सैयद अब्दुल मतीन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया और अब्दुल मतीन ने भी कारपोरेटर मुंतखब हो जाने के बाद उनके एतमाद को ठेस पहुंचने नहीं दी, बल्कि 3 सालों में उन्होंने वार्ड को वो सब कुछ दिया जो साबिक कारपोरेटर अजीजुल्ला बेग के बाद किसी ने भी नहीं दिया. सैयद अब्दुल मतीन की काविशों से यहाँ मजहबी मकामात से करीब 5 हाई मास्क लगाए गए और 1 करोड़ रुपये की लागत से LED लाइट और नए पोल्स नस्ब किए गए. गुज़िश्ता कई सालों से वो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, मगर कारपोरेटर अब्दुल मतीन ने 1 किलोमीटर पीने के पानी की पाइपलाइन इलाके में डलवाकर उनका ये मसला हमेशा के लिए हल कर दिया. इसी तरह 1300 मीटर की नई ड्रेनेज लाइन भी डलवाई और 2.5 करोड़ की लागत से वार्ड में नए सीमेंट के रास्ते बनवाए. यहाँ तक के आसिया कॉलोनी, जय भीम नगर और दीगर इलाकों की तंग गलियों में भी कंक्रीट करवाया. टाउन हॉल, फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे बरसात का पानी जमा हो जाने का बरसों पुराना मसला भी हल करवाया और वहां गट्टू लगवाए. इससे पहले 15-20 साल पहले बना था डामर रोड, उसके बाद भी रोड बना ही नहीं था. रोड की क्या हालत? रोड की बहुत ख़राब हालत थी, बहुत गड्ढे वगैरह हो गए थे, बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे. ये हो रहे थे. आज क्या पोजीशन? आज ये पोजीशन है कि 1 नंबर रोड बन गया यहाँ से लेके आज बिस्मिल्ला कॉलोनी तक 1 नंबर रोड बन गया. पहले आसिफिया कॉलोनी के अंदर गुज़िश्ता 20 सालों में 4 कारपोरेटरों को हम देखे तो ये रोड जो बनाते थे तो वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत बोलो या कुछ और वजह बोलो, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहूँगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में गड़े हो जाते थे. ग्रीन बेल्ट में मैंने तकरीबन 10 साल पहले जो सिर्फ कबाड़ीपुरे के अंदर सीमेंट रोड देखा जिसकी तकरीबन लंबाई 100 फीट की होगी, उसके बाद में मैंने ग्रीन बेल्ट में ये पहली सीमेंट रोड देख रहा हूँ मैं. इससे पहले मैंने औरंगाबाद के अंदर जो है तो बने समर्थ नगर में VIP एरिया में, मगर ये सलाम एरिया बोलने के बाद में भी यहाँ पे जो रोड का काम हुआ, मैं मतीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो है तो ख़ास तौर पर तवज्जो दे के लॉन्ग लाइफ इस रोड का जो है तो काम किया. लोग जो है तो पहले रक्षा ड्राइवर यहाँ पे चढ़ने के लिए कतराते थे, ऐसा था मामला कि नहीं बोलते थे टेकड़े पे नहीं छोड़ेंगे, नीचे छोड़ देंगे, मगर आज बखुशी रक्षा ड्राइवर को यहाँ पे चलने में खुशी महसूस हो रही है. तो मैं मतीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो है तो हमारे वार्ड के लिए इतना बेहतरीन काम किया और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे. और मैं रोज़ देख रहा हूँ कॉरपोरेशन के अंदर भी वो जो है तो सिर्फ़ औरंगाबाद के आसिफिया कॉलोनी के महल्ले की हद तक नहीं,
सारी औरंगाबाद के लिए जो है तो कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा कॉर्पोरेशन के अंदर जो मामला उठाए उन्होंने, तो पूरे ग्रीन बेल्ट के यहाँ से लेके जैसा चंपा चौक हुआ, किराड़ापुरा हुआ, कटकट गेट हुआ, वहाँ की जो रोड के जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं तो उसके लिए भी आवाज़ उठाए, उसके लिए भी मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारा वार्ड नंबर 20 जो आसफिया कॉलोनी और बिस्मिल्ला कॉलोनी पर मुश्तमल है, जिसके कारपोरेटर नौजवान बेबाक दर जत कायद जनाब सैयद मतीन साहब हैं, और इनके कारपोरेटर मुंतखब होने के बाद तो महल्ले की हालत बहुत सुधर गई है और बड़ा सुधार आया है, और काफ़ी अहले महल्ला उनकी जो है तो सताइश भी कर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, और आइंदा भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनसे अल्लाह और ज़्यादा खिदमत ले। हमारे बिस्मिल्ला कॉलोनी में पहले बहुत गलियां जो है तो ख़राब थी और रोड भी नहीं थे, इन गलियों में भी सीमेंट कंक्रीट करवाया और जो है तो सीमेंट रोड बनवाए, और अभी मेन रोड जो बना रहे हैं बहुत बड़ा, इस जो है वो आपके आसफिया कॉलोनी से लेकर बिस्मिल्ला कॉलोनी के अख्तिताम तक उसका काम भी जारी है, और करीब वो अपने पाए तकमील को पहुंचेगा। तो मैं जो तो और लाइट का भी उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया, और बहुत बड़े बड़े लाइट जो है तो के पोल और मज़ीद लगा रहे हैं, जिसकी रोशनी से पूरे दोनों कॉलोनियाँ जगमगा उठेंगी और नूरानी ये दोनों महल्ले बन जाएंगे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सैयद मतीन साहब को हिम्मत दे और हौसला दे, और हम सब जो है दोनों महल्ले के लोग उनके साथ हैं और दुआगो हैं, अल्लाह उनको हर मैदान में कामयाब करे और उनकी जायज़ मकासद को पूरा करे। हमारे मतीन सिद्दीकी साहब, सैयद मतीन सिद्दीकी साहब कारपोरेटर बने हैं, उसके बाद से वार्ड आसिफिया कॉलोनी का बहुत ज़्यादा काम हुआ, ख़ास तौर से नल का, ड्रेनेज का, रोड का, बारीक बारीक गलियों में भी जिसमें चलना फिरना भी मुश्किल था आना जाना, वहाँ पर भी हमारे मतीन मियाँ ने पक्के रोड बनाए हैं सीमेंट के, चार चार फीट पाँच पाँच फीट की गलियों में भी चौड़े रोड भी काफ़ी बेहतरीन बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। वार्ड का बहुत ज़्यादा काम किए हैं उन्होंने, और मैं अपनी तरफ से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसा काम शायद ही किसी कारपोरेटर ने किया हो आज के दौर में, जैसा कि काम हमारे सैयद मतीन सिद्दीकी साहब ने किए हैं वार्ड का। जो मेन काम होते हैं ड्रेनेज का, लाइट का और रोड का, ये तीनों काम तकरीबन पूरे वार्ड के करीब करीब मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और इनके इरादों को पूरा फरमाए, इनके इरादों में जो है तो मजबूती अता फरमाए, और इनको हर काम में अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए। तीन इस्लाम वाला बच्चा है, मैं रात दिन दुआएं कर रही, रोटा चमका दिया, मुझे इतने कमर को छक्के मन का छक्का वहाँ को लगते फिर दुआएं निकल के क्या रूहानी दुआ लगना आपकी, अल्लाह तुमको दुगनी तरफ दे। पहले है ना यहाँ पानी की बहुत परेशानी थी, अजीज़ुल्लाह के ज़माने में बहुत अच्छा पानी आता था, बगैर मोटरों के हम पानी भरते थे, बाद में पानी नहीं आया, बारीक पाइपलाइन भी डाले ना तो नहीं आ रहा, एक एक घर में दो दो तीन तीन नला, हमने खुद बोले हम टैक्स भरे बाद हमारा पानी नहीं आ रहा, तो अब पानी बहुत अच्छा आ रहा, इतना भी पानी आ रहा है कि हमको जाके बोलना पड़ रहा पानी बंद करो, मतीन में आए जब से चुन के पानी आ रहा तो आ रहा ही बोलेंगे हम, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा बोलेंगे। पहले हमारे को पानी की बहुत परेशानी थी, ये मतीन बच्चे जब से आए हमारे को बहुत हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना पानी है कि ज़िंदगी में पहली बार इतना पानी है हमारे पास, पहले हमारे पास एक दिन आठ टैंकर आता था, पानी पूरता ही नहीं था हमको, ये बच्चे ने बहुत दुआ ली हमारी, पहले घर की दुआ मेरी इनको छाई, अल्लाह ये बच्चे को बहुत तरक्की देगा, ये सच्चाई है, इनकी सच्चाई की जीत ज़रूर होगी, अल्लाह को दूनी दौलत दे, तरक्की दे, यह हमारे बच्चे ने बहुत साथ दिया, हम आपको वार्ड मेंबर नहीं बनने से पहले भी बहुत साथ दिया ये बच्चे। तो मतीन भाई आया जब से आसिफ कॉलोनी का काम अच्छा हुआ, ड्रेनेज का, नल का, लाइट का, पहले पानी नहीं आता था, अभी पानी भी जो है तो पानी भी अच्छा आ रहा अलहम्दुलिल्लाह, और जो है तो रोडों के काम भी चालू है, पीछे का एक रोड कम्प्लीट हो गया, अभी इधर के भी काम चालू होने वाले, तो कुछ समय लगेंगे उसको भी बनने को, और ये तो नालों का भी एकदम ओके हो गया और लाइट के भी हो गए,
अभी इसके बाद में जो है तब जो होगा तो इसके बाद होगा काम। भाई मैम के सैयद मतीन साहब हमारे वार्ड से चुन के आए, उनके आने के बाद में हमारा बहुत सारा काम हुआ। यहाँ के डेनिस लाइन का, पानी का मसला, रोडों का मसला, लाइट का मसला, कुछ लोग है जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं काम चिल्लर चालर, अब वो भी है तो एक महीना दो महीने में ख़त्म हो जाएंगे काम, दो चार महीने में, छः महीने में उसका भी काम करने का उन्होंने बोला है। देखते हैं इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। और हमारे को ऐसा कारपोर्टर अभी तक तो मिला नहीं, अब ये कारपोर्टर जो मिले तो इन्होंने तो पूरा काम करके बताया, ज़बान भी दी, बस इतना बोलना है हमारा। अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आमच्या कॉलनीमध्ये गार्डन एक चांगली झाली, बसायला चांगली सोय झाली, आमचे रोड कॉन्क्रीटचे झाले, त्याच्यामुळे आमच्या कॉलनीला चांगला गेटअप आला। आणि पाण्याचा जो प्रश्न आहे तो अर्धा सॉल्व झाला, आता पूर्ण काम आहे पुन्हा चालू करू लागलेत ते, म्हणजे आमचं नेहमीसाठीच हा प्रॉब्लेम दूर होणार असं दिसतं आहे त्याच्यातून। त्याच्यामुळं आमचं नगरसेवकांचं जे मतीन सर आहेत त्यांचं आमच्याकडं विशेष लक्ष आहे कॉलनीकडं, त्याच्यामुळं आम्हाला काही इथला ताण नाही आहे, कचरा वेळेवर उचलण्याचा हे होतो आणि जेव्हा बोलावलं त्यावेळेस ते हजर होतात, म्हणजे प्रॉब्लेम कोणताही असो, पाणी असो, कचरा असो, त्यांची अगदी नेहमी अगदी जवळच हे असल्यामुळं त्यांचा लगेच आम्हाला अप्रोच होतो। त्याच्यामुळं आम्ही त्यांना मतीन सरांनाही धन्यवाद देतो आणि त्यांनी असंच पुढं सहकार्य करावं ही त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवतो। आपण निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी काय कामं केली, कोणते महत्त्वाचे प्रश्न सोडवले, आपल्या वॉर्डाला कोणत्या समस्या भेडसावत आहेत, शहराच्या विकासासाठी आपल्या नगरसेवकांचं काय योगदान, या सर्व प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी MCN न्यूज जाणार प्रत्येक वॉर्डात आणि जाणून घेणार तुमच्या प्रभागाचा, तुमच्या नगरसेवकाच्या कामाचा लेखाजोखा। MCN न्यूजच्या माझा वार्ड माझं व्हिजन या खास कार्यक्रमात तर बघायला विसरू नका माझा वार्ड माझं व्हिजन। नाजरीन आदाब अर्ज है, MCN न्यूज चैनल पर आपका इस्तकबाल है। यूं तो MCN उर्दू न्यूज और मराठी न्यूज में हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम हालात से आपको वक्फे वक्फे से वाकिफ करवाते रहते हैं। MCN न्यूज चैनल ने एक खसूसी प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है माई वार्ड माई विजन। इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 20 के कॉरपोरेटर सैयद अब्दुल मतीन साहब। हम सैयद अब्दुल मतीन साहब से बात करेंगे, उनके वार्ड के क्या मसाइल हैं, उनके क्या अजायम हैं, उन मसाइल को वो किस तरीके से हल करेंगे, इन सब बातों पर तफसील से बातचीत होगी। सबसे पहले तो मैं मतीन साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। मतीन साहब, आप जिस वार्ड से चुनकर आए हैं जी, बेसिकली वो वार्ड जी स्लम बस्ती कहलाया जाता है जी, और वहाँ के कई मसाइल हैं। तो आपने जब इलेक्शन जीता था या जीत कर आप कॉरपोरेटर मुंतखब हुए थे, उस वक्त उस वार्ड की क्या हालत थी और वहाँ के वार्ड के लोगों के क्या क्या मसाइल हैं और उनकी जो है तो आपसे क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए 2014 के अंदर 15 में इलेक्शन हुए, जब मैं मुंतखब हुआ तो वार्ड की हालत ये थी कि वहाँ पर कुछ ही काम नहीं हुआ था। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला था पानी का, पानी कहीं ऐसे गलियां थे जहाँ पानी की लाइन ही नहीं थी पानी की, वहाँ पानी आता नहीं था। मतलब एक गली की खवातीन दूसरी गली से पानी भरती थी, जहाँ आता था वो भी पाँच पाँच छः छः दिन में, सात सात दिन में पानी आता था, अभी जैसा ओल्ड सिटी का जो हाल है तो उस तर्ज पे। और ड्रेनिंग लाइन के मसाइल थे वहाँ पे, मतलब बुनियादी जो भी मसाइल, ड्रेनिंग लाइन, पानी की लाइन, जो अवामी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, मतलब ड्रेनिंग लाइन है, पानी की लाइन, ये कुछ काम ही नहीं, सड़कें खस्ता हाल थी, लाइट का इंतज़ाम नहीं था कुछ, मतलब 25-30 सालों से काम ही नहीं हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पर आपने क्या क्या काम करवाए? हाँ, बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। मैं जब मुंतखब हुआ तो सबसे पहले मैंने, और वार्ड से मैं जुड़ा हुआ था, मेरे को वार्ड के मसाइल मालूम थे भाई क्या है बोल के, मैंने ना सर्वे के
तो सबसे पहले मैंने यूटिलिटी कंपनी थी कॉरपोरेशन का, उस दौरान मैंने 1300 मीटर पानी की लाइन डाली वहाँ पे, 1300 मीटर 6 की लाइन 4 की लाइन, वहाँ पानी का नज्म को पहले सही किया। पहले मैंने एक प्लानिंग तैयार किया कि भाई पहले खुदाई का जो काम है, मतलब ड्रेनिंग लाइन डालने का, पानी की लाइन डालने का, उसको कंप्लीट किया। खिल्लारी में से मैंने 400 मीटर लाइन डाला, महानगर पालिका के जो मेरे बजट में से जो है तो मैंने 900 मीटर लाइन डाला। तो ड्रेनिंग लाइन पानी की लाइन डालने के बाद मैंने सड़कों का काम स्टार्ट किया, सड़कों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड के अंदर जो तो 70% काम मुकम्मल हो चुका। अगर आप खुद सर्वे करें तो आप आए भी थे, सर्वे भी किया आपने, देखा भी है। तो 30% काम बचे हुआ है मेरे वार्ड का। अभी सड़कों का काम बचा हुआ, मेरे वार्ड में 13 सड़कों का काम बाकी है और इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर वो 13 सड़कें बन जाएंगी। और टाउन हॉल का जो इलाका है, बार बार MCM के माध्यम से वहाँ से न्यूज़ आती है टाउन हॉल। देखिए, एक बिस्मिल्ला कॉलोनी, आसिफिया कॉलोनी, टाउन हॉल, ये 3 इलाके पड़ते हैं मेरे वार्ड में। तो मैं स्टेप से काम आया, बिस्मिल्ला कॉलोनी का वार्ड का कंप्लीट किया, आसिफिया सॉरी इलाके का, बिस्मिल्ला कॉलोनी, उसके बाद आसिफिया कॉलोनी का, फिर टाउन हॉल जो इलाके का है काम। तो 6 महीने आसिफिया बिस्मिल्ला को कंप्लीट होने को लग रहे मेरे को 13 रोड, और लास्ट में जो है तो टाउन हॉल इलाके का एक बजट में पूरे टाउन हॉल इलाके में लगा देने वाला है, वहाँ भी कभी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये तो जय भीम नगर भीम और टाउन हॉल के जो रहीवासी है जिनकी जो समस्याएं हैं जैसे नल का, ड्रेनेज का और रोड का, वो वहाँ की भी समस्याएं हल हो जाएंगी बिल्कुल इंशाल्लाह। आप पहली मर्तबा कॉर्पोरेटर मुंतखब हुई, इससे पहले तो आपको कॉर्पोरेटरशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं जी। तो पहली मर्तबा जब आप कॉर्पोरेशन पहुंचे जी, तो आपको आवाम के मसाइल हल करवाने के लिए किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? ऐसा कोई तजुर्बा है आपके साथ में कि भाई आपके जाने के बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आया, काम कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जो है तो फाइल मूव करना है, इन तमाम बातों को तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था जी, तो इसको आपने कैसे हैंडल किया? अरे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, देखो मैं जो है तो 2012 से मैं, प्लस पॉइंट ये है कि महानगर पालिका के सामने ही मेरा वार्ड है, हाँ मेरा जाना आना भी था वहाँ पे कॉरपोरेशन से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मुझे मालूमात थी, तो फर्स्ट टाइम में मेरे को ऐसा कोई परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। फाइल एस्टीमेट ये वो नहीं, क्योंकि उमन हमने ये देखा है कि पहली मर्तबा जो कॉरपोरेटर मुंतखब होता है तो शुरुआती कुछ दिनों में उसको जो है तो परेशानी का सामना रहता है ना। मेरे को बिल्कुल परेशानी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले साल आपने कितना बजट इस्तेमाल किया, आपके वार्ड में कितने फंड्स का काम करवाया? पहले साल जो है तो अगर कुल तादाद मिलाई जाए खिल्लारी यूटिलिटी और बजट की मेरे, तो मैंने 2.5 करोड़ का काम किया पहले साल खुदाई के कामों में, ड्रेनेज और पानी की लाइन। आप पर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं जी। जनरल बॉडी मीटिंग में जो है तो वहाँ पर जो तो अखाड़ा, जनरल बॉडी मीटिंग का जो हॉल है वो अखाड़ा बन जाता है। कई मर्तबा लोगों ने जो है तो न्यूज़ पर भी देखा है, और ये न्यूज़ जो है तो हमारे ही लोकल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी गई है कि वहाँ झगड़े और बहुत ज़्यादा समझिए झगड़े की नौबत आती है, तो ऐसा क्यों होता है? मतिन साहब, आप पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि आप जनरल बॉडी और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंगों में जो है तो बहुत ही जज्बात में आ जाते हैं, इश्तियाल में आ जाते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, जनरल बॉडी हो या स्टैंडिंग कमेटी हो, आप अगर वहाँ के CCTV कैमरे और महानगर पालिका का अगर वीडियो देखेंगे तो शुरुआत उनके तरफ से हुई, हमेशा हमेशा से शुरुआत शिवसेना BJP वालों की तरफ से हुई। तो जाहिर सी बात है भाई, शुरुआत उनके तो ख़त्म तो हम ही करेंगे ना, मीट का जवाब पत्थर से देना जानते हम अच्छे तरीके से। आप वीडियो कैमरे का जायज़ा लीजिए आप, बिल्कुल शुरुआत उन्होंने की है, हमने थोड़ी की है। चलो अगर हम जज्बाती अगर होते तो शुरुआत हम करते, हम जज्बाती नहीं है। अगर गैर ज़रूरी अगर वो अगर शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल हम ईट का जवाब पत्थर से देंगे और इंशाल्लाह देते रहेंगे हमेशा। बुनियाद जो है हमारा पानी के मसले के ऊपर बात हुई, आप मेरे इशू देखिए ना, मैं किस मसाइल पर बात करता। रही बात जज्बाती की, जो सत्ताधारी पक्ष है उन्होंने दादागिरी की तो वो आपको नज़र नहीं आती कभी, हाँ। और हमारा अंदाज़ यही है काम करने का। और रही बात जज्बाती की, मैं कहाँ जज्बाती हुआ, अरे मैं तो हक बात किया ना भाई, हक बात। मैं मेरी कम्युनिटी के, शहर की अवाम के मसाइल को जनरल बॉडी में नहीं बोलूँगा तो और कहाँ बोलूँगा। हाँ मेरा अंदाज़ है वो बात करने का, पर जज्बाती नहीं है। मैं अवाम के लिए लड़ता रहूँगा और हक बात करता रहूँगा, क्यों सत्ताधारी अगर जब करते हैं तो आपको नज़र नहीं आएगा। आपको तजुर्बा है, आप
कई माह, मैं तो अभी आया चुन के, आपने 50-10 बॉडी देख ली होंगी महानगर पालिका की, तो सत्ताधारियों ने या शिवसेना बीजेपी वालों ने कितना वहाँ पे नहीं, वहाँ गुज़िश्ता कई साल जो बॉडीज थी वहाँ पर इतने धिंगाने, इतनी धींगा मस्ती, इतने हंगामे नहीं होते थे। नहीं तो अब ये जो बॉडी आई है इसके अंदर ज़्यादा हंगामे हो रहे हैं। नहीं हंगामे हो रहे, देखो अवाम के मसाइल को लेके हंगामे, चलो पिछले, आपका बोलना है कि पिछले बार को ऐसा नहीं हुआ तो अब होगा ना, अब हम आ गए तो वही बता रहे हैं कि भाई आप नहीं नहीं आप देखो आवाम के मसाइल को जज्बा नहीं, आप हक बात करने को जज्बाती क्यों बोल रहे हैं? आप जो है तो कानूनी शक्ल में और जो है तो बहस के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, तो बहस... लेकिन वहाँ जो है तो आपस में जो है तो मारा मारी वगैरह क्यों होती है? आपके खिलाफ में जो है तो पुलिस केस दाखिल किए जाते हैं। देखो पुलिस केस जो दाखिल किए गए मेरे ऊपर, जितने भी केसेस हुए वो गैर जरूरी और गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि ये हाउस का मसला है, आप समझिए बात को, हाउस के अंदर जो भी मसाइल होते हैं, अरे ये तो शिवसेना बीजेपी की तो मैं बोला ना खुली दादागिरी है ये। अरे एक एक कॉरपोरेटर है जो अवामी मसाइल उठा रहा, चलो धक्का बुक्की हुई ठीक है, थोड़ा सा धक्का बुक्की हो गई, हम भी इंसान हैं, हाँ हो जाती है इंसान से, धक्का बुक्की हुई तो पुलिस केस दाखिल करना, हरेसमेंट करना, और मुझे तो बहुत साजिशों के अंदर शिवसेना बीजेपी ने जकड़ने की कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से अवाम की दुआएं मेरे साथ है, मेरे वार्ड की लोगों की दुआएं, औरंगाबाद शहर की अवाम की दुआएं मेरे साथ है, और मैं इसी तर्ज पर काम करता रहूँगा, मैं अल्लाह ऐलान बोल रहा हूँ। अच्छा अभी आपने जो है तो गुज़िश्ता 3 सालों में कितना फ़ंड इस्तेमाल किया, क्या क्या काम करवाया, और बाकी 2 साल आपके पास बचे हुए हैं, 2.5 साल, इन 2.5 सालों में आप क्या क्या काम करवाने वाले हैं, आपका विजन क्या है, आपके वार्ड को किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं? देखिए आसिफिया कॉलोनी को मैं एक मिसाली वार्ड बनाना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह ये जनवरी का जो साल है अभी नया साल, तो वो साल में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात आप बोल रहे काम किए, मैंने आपको ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन के ताल्लुक से बताया, और कितने का काम किए टोटल मैंने अभी तक मेरे वार्ड के अंदर, आपको मैं लिस्ट भी और पूरे बजट बुक के साथ बता भी दूंगा हवाले के साथ, क्योंकि मैं वही बोलता जो मैंने किया ठीक है। तो मैंने अभी तक 8 से 9 करोड़ रुपये का काम कर चुका मेरे वार्ड के अंदर। अभी मैंने हाल ही में एक 70 लाख रुपये की वाइट टाइपिंग जो दिख के आ रहा, गलियों के रोड दिख के नहीं आते, आप लोग गलियों में भी, आप आए थे गलियों में, आपके तो गलियों में मैं घूमे, आपने सर्वे किया, आप बखूबी जानते हैं मैंने क्या किया बोल के। अभी हाल ही में मैंने 1 करोड़ रुपये का टीवी हॉस्पिटल से फसील तक जो आरएफ कॉलोनी का जो रोड है वो बजट बुक में आ चुका है, इंशाल्लाह टेंडर को लगेंगे फाइल वो भी काम हो जाएंगे। तो मैंने 8 से 9 करोड़ रुपये का काम कर चुका, और मैं आसिफिया कॉलोनी को एक मिसाली वार्ड बना रहा, इंशाल्लाह 6 से 8 महीने के अंदर मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा पूरा। आप ही के वार्ड में जो प्रीमाइसेस है वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बॉटनिकल गार्डन जी मौजूद है, लेकिन उसकी हालत किसी से छुपी भी नहीं है, वहाँ जो है तो वो जो गार्डन बनाया गया था वो आज वीराने में तब्दील हो चुका है, और उसका इस्तेमाल कुछ गलत कामों के लिए हो रहा है जी। तो इस गार्डन, जब आप आपके वार्ड को जो है तो एक मिसाली वार्ड बनाना चाहते हैं जी, तो उस गार्डन के बारे में आपका क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए कोई तफरीगा मौजूद नहीं है जी। अगर आप ये गार्डन डेवलप कर लेते हैं तो एक अच्छी तफरीगा उनको मैसर आ जाएगी। देखिए आपने जो बात कही बड़ी अच्छी बात कही, वो भी मेरे प्लानिंग में है, मगर मैं जो पहले बुनियादी मसाइल है, ये ब्यूटिफिकेशन का काम है गार्डन का, तो ये बुनियादी मसाइल हल होने के बाद मेरे को आखिरी में वही काम करना है, गार्डन का ब्यूटिफिकेशन करूँगा, वहाँ सुरक्षा रक्षक चौकीदार प्लस वहाँ एक चौपाटी, एक तफरी के लिए लोगों के लिए कमल तालाब जो है, कमल तालाब का ब्यूटिफिकेशन करके अपना उसको पूरा बाउंड्री वॉल करके उसको एक मतलब एक अच्छा लोगों के लिए आने जाने के सैर व तफरी का उसको हम बनाने वाले हैं, मगर ये बुनियादी ज़रा मसाइल जो है रोज़मर्रा के वो हल हो जाते हैं, फिर आखिरी में करेंगे। नहीं तो आपके हिसाब से तो 70% काम मुकम्मल हो गया। हाँ हाँ हुआ ना, सिर्फ 30% काम बाकी बचा है। आपने जो है तो 2.5 सालों में 70% काम कर लिया, यानी कि अब आपको जो है तो 2.5 साल में 70% तो है नहीं, सिर्फ 30% 6 महीने काम है वो जो है तो आपका ज्यादा ज्यादा हम साल भर पकड़ साल भर जी हो चलिए साल भर में आपके 30% के काम हो जाते। बिल्कुल अभी आपके पास में 1.5 साल बचा हुआ है। बिल्कुल इस 1.5 साल के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? 1.5 साल में 50% शहर के मसाइल उठा रहे, 100% ज़्यादातर उठाए जाएंगे शहर के मसाइल, ओल्ड सिटी के खास तौर से। अभी मैं वार्ड पे कॉन्सनट्रेट करते हुए शहर के मसाइल को उठाता, जनरल बॉडी हो, स्टैंडिंग कमेटी हो, तो पूरा दिमाग तो शहर पे लगाया जाएगा और शहर के मसाइल उठाए जाएंगे इंशाल्लाह। आपके वार्ड को जो है तो खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या क्या और क्या क्या करेंगे? बस और वो एक पानी की टाँकी का भी हमारा प्रपोजल है इंशाल्लाह, वो भी हल हो जाएगा। और आप जो बोल रहे अभी हाल ही के अंदर जो है तो हमारे अंबेडकर रिसर्च सेंटर जो है मेरे वार्ड में आता है, उसके बाजू जो है तो एक जगह है कुछ, तो हमारे शेख अहमद साहब कॉरपोरेटर समीना इलिया जो है 57 नंबर वार्ड से जो चुन के आए, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, मेहनत की, और
जमात खाने, दीनी जमात खाने के लिए उन्होंने जो है तो एक प्रपोजल पास किया, उसके लिए उन्होंने बजट भी लाए, काफ़ी जद्दोजहद की, तो उनके वार्ड में जगह नहीं थी, तो वो आम खास मैदान में वो बना रहे, तो उससे मेरे वार्ड की शान भी बढ़ जाएंगी, जमात खाना वहाँ बनता है। तो ये थे हमारे अब्दुल मतीन साहब, जिन्होंने 2.5 सालों के अंदर अपने वार्ड के तकरीबन 70% मसाइल हल कर दिए हैं। उनके वार्ड में सिर्फ 30% का काम बाकी है, और वाकई हम भी इस बात की गवाही देते हैं, क्योंकि हमने ख़ुद पर्सनल उस वार्ड का सर्वे किया है, गली गली जाकर देखा है। लोगों ने जो है तो अब्दुल मतीन साहब के लिए सिर्फ लोगों के ज़बानों से दुआएं ही निकलती देखी हैं। उन लोगों ने कहा है कि अब्दुल मतीन साहब ने जो उनके मसाइल हल किए, सबसे बड़ा मसला तो पानी का था, वो हल हुआ, ड्रेनेज लाइन आ गई, वहाँ पर सड़कें आई हैं और स्ट्रीट लाइट्स भी जगमगा रही हैं। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इनके जो बकिया 2.5 साल बचे हैं उसमें वो इसी तरीके से वार्ड की और शहर की तरक्याती कामों में जो है तो एलईडी का भी है उसके अंदर, एलईडी प्रोजेक्ट भी किया है। एलईडी का जो है तो मैंने 1,20,00,000 रुपए बजट बुक में एलईडी लाइट्स लगा रहा मैं 1,20,00,000 रही। वो एलईडी का जो टेंडर दिए शहर लेबर पे, वो जब लगेंगे, जब की बात है, वो 40,000 ले रहे। मैंने 1,20,00,000 रुपये एलईडी के अस्तर का, और हर मस्जिद के अंदर 12,00,000 रुपये का हैमस बिठा रहा हूँ। वो उसका भी काम अभी लाल मस्जिद में गवाही दे रहा हूँ, काम लाल मस्जिद में शुरू हो चुका, 6 हैमस बिठा रहा हर मस्जिद के अंदर। वो भी एक मैं बोलना भूल गया था आपको, भी याद आ गई बात। तो अभी जो है तो मतीन साहब ने ये भी बतलाया है कि वो वहाँ की मसाजिद, वार्ड में जितनी भी मसाजिद हैं और मजहबी इबादत गाहें हैं, वहाँ पर वो जो है तो हाई मास्क लगाने वाले हैं। 1,20,00,000 के जो है तो उन्होंने जो है तो एलईडी का जो है तो प्रोजेक्ट भी सेंक्शन करवा कर रखा है। हालांकि 114 करोड़ रुपये का एलईडी प्रोजेक्ट एक अलग से शहर में चल रहा है, इसके अलावा उन्होंने अपने जाती फंड से और अपनी कोशिशों से वार्ड के लिए एलईडी के जो है तो लाइट्स के लिए 1,20,00,000 का फंड सैंक्शन करवा कर रखा है। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा 2.5 सालों में ये अपने वार्ड को एक मिसाली वार्ड बना देंगे। शुक्रिया मतीन साहब। चलिए, आपण निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी काय काम केले, कोणते महत्त्वाचे प्रश्न सोडवले, आपल्या वार्डाला कोणत्या समस्या भेडसावत आहेत, शहराच्या विकासासाठी आपल्या नगरसेवकांचं काय योगदान, या सर्व प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी MCN न्यूज जाणार प्रत्येक वार्डात आणि जाणून घेणार तुमच्या प्रभागाचा, तुमच्या नगरसेवकाच्या कामाचा लेखाजोखा। MCN न्यूजच्या माझा वार्ड माझं विजन या खास कार्यक्रमात तर बघायला विसरू नका, माझा वार्ड माझं विजन